हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल m.shamshadmedia फॉर लेटेस्ट मुशायरा एंड अदर प्रोग्राम्स एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये किसी किसी तय हुआ तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होटों पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। आपके सामने इमरान प्रताप सिंह। अस्सलाम वालेकुम। देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। मुझे ये खबर नहीं थी कि छोटा वाला माइक मेरे हिस्से में आएगा, वरना शायद मैं आप सबसे पहले आ गया होता। ट्रेन थोड़ी लेट थी, अब वो जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई है। कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर आपसे रूबरू रह सकूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहा था मेरा छोटा भाई, मेरी नई पीढ़ी का एक बहुत खूबसूरत सा शायर अली। मंसूर भाई से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था अली भाई, बहुत पुराने पुराने चेहरों को सुनवा दिया है दरभंगा को आपने, इस बार कुछ नए चेहरों को सुनवाइए। मंसूर भाई ने मेरी बात मानी, अली को बुलाया, मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। मेरे फैजाबाद के एक शायर हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, वो एक शेर कहते हैं कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग गंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। बहुत खूबसूरती से आप मुशायरा सुन रहे हैं इस तरफ, जो सब जो ये जो नई पीढ़ी खड़ी हुई है, पिछले मेरे ख्याल कम से कम 4 घंटे से आप लोग खड़े हैं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उधर जो बरामदे के अंदर रोज के डर से बैठे हुए लोग हैं, माशाल्लाह बड़े नाजुक लोग हैं, वो इस डर से वहां अंदर बैठे हुए हैं कि वो हम पर गिर जाए तो क्या पता हमें सर्दी जुकाम ना हो जाए। मैं उनकी मोहब्बतों को भी सलाम करता हूँ, बस उनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत होगी तो ये मुशायरा और खूबसूरत बन सकेगा। आइए, मैं अली से आगे का सफर तय करना चाहता हूँ, और जिस शिद्दत के साथ, जिस प्यास के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आप सुन रहे थे, मैं उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा करना चाहता। कई नौजवान तो मोहब्बत के अशार पर उछल रहे थे, कई बुजुर्ग अपना पुराना वक्त याद कर रहे थे, अपने अपनी आंखों का चश्मा कई बार उतार के आसपास देख रहे थे कि कुछ एक आध मंजर ऐसा मेरी आंखों के सामने से गुजर जाए तो शायद कुछ सुकून मिल सके। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका भी कुछ इंतजाम कर दिया जाए। आइए, मैं बिना किसी देरी के इस मुशायरे को और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आपसे 1000 किलोमीटर दूर से चल करके आई हुई बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी सी शायरा से आपकी मुलाकात कराऊं। मैं बिना किसी देरी के आवाज दे रहा हूं निखत अमरोही को। एक बार आप सारे लोग हाथ उठा के ताली बजा करके उन्हें आवाज दें, निखत अमरोही आप सबके बीच। मुझे याद तो नहीं कि मैं कब आई थी, मगर यहाँ जरूर है कि आई जरूर थी, और शायद मेरे ख्याल में 97-98 की बात है। तो मैंने क्या पढ़ी गई मुझे कुछ याद नहीं है। शम्स भाई का और मंसूर मुश्तर साहब का हुक्म मेरी आपके दया में हाजिरी। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, 4 मिसरों से समाप्त कीजिएगा। आप मेरा ख्याल है सीधे सीधे 15 साल पहले आई थी। वैसे दरभंगा वालों की खासियत है कि अच्छे लोगों को अपने बीच से जाने नहीं देते, पता नहीं आपको कैसे जाने दिया है, लेकिन उनकी मोहब्बतें आपको फिर से खींच लाई है। ताली बजाइए और झूम करके सुनिए निखत को। मैं पढ़ती समाप्त कीजिएगा, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कुछ आपके मतलब की बात करूँ, कुछ अपने मतलब की सुनिए। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस
करती हूँ, उसके बाद फिर अपनी कुछ शायरी आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं होने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं होने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने। कहीं भी
मेरा कि कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं खुलूस कहीं पर वफा नहीं मिलती, कहीं खुलूस कहीं पर वफा नहीं मिलती। कि जो बाबा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली, जो बाबा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली, जो बाबा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली, गुनाहगार को लेकिन सजा नहीं मिलती, आपका रूप में गीत के लिए मैं गीत पढ़ती हूँ जी। माशाल्लाह क्या शक्लों से बाहर सामने से निकट की तरह एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी, तो एक मौलाना साहब ने उसे बड़े गौर से देख के कहा माशाल्लाह, दूसरे मौलाना साहब ने और गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, तीसरे मौलाना साहब ने कुछ ज्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाल्लाह। तो ये जो इंशाल्लाह मामला है वो आप सबकी मोहब्बतों के नाम है, मैं निकट से चाहूंगा कि कुछ अच्छे से सुनाइए। गजल की फरमाइश कर रहे हैं वो मेरी छोटी बहन गजल पढ़ती है, मैं बाहर गीत पढ़ती हूँ, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। हालांकि गीत भी आप तक पहुँच चुका है मगर मैं कोशिश करती हूँ और आप लोग उस तरह से सुनिएगा कि आप इस गीत को पहली बार सुन रहे हैं। समाप्त कीजिए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, उसके बाद एक मुकम्मल गजल अगर आपका हुक्म हुआ तो मैं पढ़ के सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरी बात बात
भी अपने अपने अतीत में झांक रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मैं बार बार भी सुनिएगा क्योंकि इमरान भी खामोश बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सबको समझ में आता है, मगर ये कितने बुरा पाती है। आइए इन्हीं को जोड़ करके आपको गीत का तक पहुँचाते हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आप मुझे इंशाअल्लाह बता दें। हसीन लोगों को देखूं तो एतराज ना कर,
ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ गड्ढा होता है पानी खुद का खुद मर जाता है, तो अगर आप अपने ऊपर फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि शायद आप बिल्कुल ऐसे ही हों। मैं पढ़ती हूँ ये गजल के लिए, मुझे भूल है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुनी सुनी है डगर, सुना सफर लगता हंगामे के साथ।